अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? मैं आपके इर्शाद। तो आज मैं बना रही थी पाव भाजी सादी, क्योंकि शिमला में चौमटा रखी, तो मैं सोची पाव भाजी बना दी आज शहरी में। तो मैंने बनाई, क्योंकि सबको पाव भाजी जो याली बहुत पसंद, तो उसे शहरी भी अच्छे से सोची। फिर आज अगर मैं होना है कलर, तो शहरी के टाइम पर मैंने सारा सामान हटा के दूसरे कमरे में रख दिया। ये दीवार का बस अभी फ्रेम और ये स्टार पर्दे ही रह गए हैं। ऑलमोस्ट आधे सारा सामान हमने सब समेट समेट के वहाँ रख दिया उस दीवार का, तो अभी इस दीवार का जो है वही बचा है। उनको कलर जो हमारे कलर करना है, तो उनको कैमरे में आना पसंद नहीं था, तो हमने थोड़ा स्किप करके दिन की रिकॉर्डिंग की, कि जब हमने स्टार्टिंग की अपने सब समेटने की और वो कलर करके जा चुके। अब घर में इतना मैस है कि हम साथ में 6 बज चुके हैं, साथ में हम इफ्तारी भी करने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम हो गया है 6:05, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि 6:55 की हमारे वलसाड़ की टाइमिंग और मेरे पास सिर्फ 50 मिनट में, उसमें मुझे इफ्तारी बनानी है और मम्मी लोग की थोड़ी मदद भी करनी है, मम्मी लोग को भी मेरी थोड़ी मदद करनी है। तो मैंने फटाफट साइड में भजिया बनाई, जिसे मैंने लिया है पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया, बेसन और चावल का आटा, और नमक के साथ मैंने इसको थोड़ा मिक्स किया। फिर मैं सोची उसमें मैं कुछ और भी डाल लेती, तो थोड़ी सी मैंने उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी डालने का सोचा, तो मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी लाल मिर्ची और गरम मसाला। मैंने इनको मिक्स करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उतनी देर में मैं सोची कि फ्रूट, मैंने जो कस्टर्ड बनाया था उसमें मैं फ्रूट कट करके डाली थी, मैंने एप्पल किया कस्टर्ड, मेरा एप्पल काटा मैंने, एप्पल और थोड़े से ग्रेप्स से लिए थे मैंने, और तुकमरिया जो था मैंने उसको भिगा के डाल दिया था उसमें पहले से ही। तो अब मैं इनको भी इसके अंदर डाल दूँगी कि ये कम से कम आधे घंटे के लिए इसमें रहें और टेस्ट आ जाए इसमें। फिर मैंने चढ़ाई थी कढ़ाइया, जिसमें मैं फटाफट बनाई थी भजिया, क्योंकि भजिया बनाने को लेट हो गया था हम लोगों को, बताया मैंने आप लोगों को कि टाइम कम था, तो मैंने फटाफट भजिया बना के निकाल ली। और फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद थोड़ी देर का हमारा ये था कि हमारा सिर्फ समेटना रह गया है, पन्नी उन्नी हटाना, ये कलर पूरा हमारा ऑलमोस्ट वाइट कलर भैया ने कर दिया था, तो मैंने फटाफट समेटना शुरू कर दिया मम्मी और हम सब ने। और फिर साइड में मैं इफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी। फिर साइड में मैंने मैगी, 2 बालाजी के नूडल्स मंगवाए, उसकी मैंने सोचा मैं आज आपके साथ चाउमीन शेयर करती हूँ, तो जिसके लिए मैंने नूडल्स को साइड में उबालना चाहती थी। फिर मैंने इसमें गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज को सबको एक साथ थोड़ा सा सॉटे किया। उसमें सॉटे करने के बाद काली मिर्च, नमक डाल के सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस और शेजवान चटनी डाला। फिर ये मैंने पकौड़े और ये मेरी मैगी नूडल्स जो थी वो रेडी हो चुके हैं। फिर रात को हमने कुछ नहीं बनाया था खाने में, पापा ले आए थे राइस, हमने उसी को खाया। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।